हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड से लेकर। क्यों बात कर रहे हैं, क्या इससे पहले बात कर रही है, वो सब चीजों से रिलेटेड ही बातें करेंगे और जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, ठीक है, आप सबसे पहले तो वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा ताकि चीजें समझ में आ सके। बीच में फास्ट फॉरवर्ड करके आप चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, उसमें आपका घाटा होगा। क्यों? क्योंकि कब क्या बोला जाएगा आपको समझ में नहीं आएगी और फिर आप अपना नुकसान करा के बैठ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। चीजों को सही तरीके से सुनना है, समझना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही चीजों को यहाँ पर काम करना है। मैं अपना ज्ञान देता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है, काफी लोगों को ज्ञान लगेगा, ठीक है, मैं आपको चीजों को समझाता हुआ नजर आऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए वीडियोस है, जाके एक एक करके वीडियोस देखिए। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे बताए हुए शेयर डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना होते हुए नजर आते हैं, बट स्टिल बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और चीजों को समझना है, सीखना है, सीखने के लिए क्या करना है, वीडियोस है, साथ में यहाँ पर हमारा कोर्स है 8860540501, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, शेयर भागता कब है, गिरता कब है, वो सब समझ में आएगा। 25,000 रुपये का कोर्स है, 3 मंथ की हैंड होल्डिंग, स्टडी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ मिलेगा। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 होती हुई आपको नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे और बहुत बड़े सादा सिंपल भाषा में आपको समझाया जाएगा बच्चों की तरह कि आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगा। और स्टॉक मार्केट ना तो भारी है और ना ही आसान है, इसे जो आसान समझने लग जाता है यहाँ पर मार्केट उसे सिखा देती है नहीं आई एम द बॉस, और जो भारी सी समझने लग जाता है तब भी समझा देती है नहीं इतना भारी नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको काम करना है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की बात करें तो जितने भी इंडिया में आपको बर्गर किंग दिखाई देते हैं, ठीक है, जो मैकडोनल्ड्स जैसे यहाँ पर आपको ब्रांड्स दिखाई देगी, आउटलेट दिखाई देंगे, बर्गर किंग, वो ही बर्गर किंग इस पर्टिकुलर कंपनी की है। पहले से बर्गर किंग के नाम से ही यहाँ पर लिस्ट हुआ था, बट अभी बात करें तो यहाँ पर RBA या रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के नाम से दिखाई देगा। और इंडोनेशिया में एक और ब्रांड यहाँ पर ब्रांड है जिसका नाम है पोपाइज, ओके, ये भी यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कंपनी का है। जाके इनकी वेबसाइट को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल जो वेबसाइट है वो ही इनकी वेबसाइट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले मार्केट क्या है। 5 या 6 से 10 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब क्या स्मॉल कैप। जब स्मॉल कैप की बात करूं, दो चीज याद रखिएगा, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है इसलिए हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरा, यहाँ पर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो शेयर जिस तरीके से रॉकेट की तरह भागता है ना, उसी तरीके से जैसे रॉकेट नीचे की तरफ आता है ना, उसी तरीके से आता है कि यहाँ पर देखिए 180 वाला स्टॉक कब कब में 80 90 आ गया, आपको चीजें समझ में भी नहीं आएगी। पैसे 50% 60% 70% कब जीरो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगी कि आपका 1 लाख रुपए केवल 30,000 40,000 रह गया, और फिर वही 30,000 40,000 रुपए आपके जो रह गए थे वो कब कब में आपके 5 लाख 10 लाख हो जाएंगे, वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही खेल होता हुआ नजर आता है। पी यहाँ पर दे नहीं रखा क्योंकि कंपनी यहाँ पर घाटा कर रही है। ROC ROE नेगेटिव में है, ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी घाटा कर रही है तो ROC ROE कहाँ से पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात हम बात करें, इनके बेस पे कभी काम नहीं करना, ROC ROE और PE के बेस पे तो चीजों को ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। और काफी लोग इसी चीज को देख के यहाँ पर आपको ज्ञान भी देंगे कि ये देखना है, ये देखना है, ठीक है, और वो खुद यहाँ पर उसे फॉलो नहीं करते, वो भी यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पर देखिएगा। बात करें इंडस्ट्री के PE की, तो 312 का है, सेल्स ग्रोथ 13% की 64% के आसपास का यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का है। यहाँ पर चीजों को और देखिए तो डिविडेंड कंपनी देती नहीं है क्योंकि घाटा करती है। इसके अलावा 134 का हाई है, 91 का इसका 52 वीक लो है, और ऑल टाइम हाई 180 के आसपास का है। 10 की फेस वैल्यू है, आगे चल के कंपनी जब बड़ी हो जाएगी, कंपनी का शेयर जब चल जाएगा तब शायद आपको स्प्लिट भी देखने को मिले। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपनी के नंबर देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी के नंबर कि जो कंपनी जून 2021 में तो आउटलेट बंद थे, इससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई, 300 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, वो धीरे 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 बढ़ के हाईएस्ट एवर सेल्स पे पहुंच गए, 647 करोड़ की सेल्स है जो कि ईयरली क्वार्टरली और पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। इसके अलावा 63 करोड़ के आसपास की यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और अच्छा खासा कंपनी मार्जिन भी दिखाती हुई नजर आ रही है। बट क्या होता हुआ नजर आता है कि कंपनी का इंटरेस्ट पार्ट एक ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर लगभग 37 करोड़ रुपए इसमें से सीधे इंटरेस्ट में दे देती, ठीक है, कुछ अदर इनकम भी होती हुई नजर आती है और साथ में डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरीके से
मशीनों को खर्चा हो गया, ठीक है, और वो खुद ही रखते हुए नजर आते हैं। ये दिखाया जाता है बट ये कंपनी के पास ही होता है पैसा, और उसे अगर हम घटा देते हैं सीधे घाटे में कंपनी आ जाती है, और लगातार आपको इसी तरीके से घाटा दिखाई देगा। जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा दिखा रही है और लगातार अच्छा खासा दिखा रही है, बढ़ता हुआ दिखा रही है, वो यहाँ पर आके फेल हो जाती है, ठीक है, और कंपनी का ईपीएस माइनस में आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर कंपनी का पी कभी ऊपर आ ही नहीं पाता, पॉजिटिव में आ ही नहीं पाता, तो जीरो जीरो दिखा नहीं सकते और नेगेटिव दिखा नहीं सकते, तो इसलिए पी क्या है ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। बात करें थोड़ा सा और ईयरली बेस पे, तो यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आता है, बट सेम वही बात दोहराऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो ठीक है, बट यहाँ पर डेप्रिसिएशन इतना दिखा देते हैं, ठीक है, कि कंपनी के पास पैसा होते रख लेती है और यहाँ पर आ जाता है कंपनी का नेगेटिव, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अब बात करते हैं आगे रिजर्व की, बात करें तो 130 करोड़ के जो घाटे से कंपनी थी वो रिजर्व 130 हो गए, बट यहाँ पर वो भी रिजर्व घटते हुए नजर आ रहे हैं। बोरिंग की बात करें, इनकी बोरिंग लगातार बढ़ रही है। अब बोरिंग हमेशा एक चिंता का विषय बनी रहती है, इस चीज को याद रखिएगा, अच्छी बात नहीं होती है बोरिंग, और वो बोरिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा बोरिंग, वही होगा जो यहाँ पर देखिए कंपनी 150-150 करोड़ रुपए कहाँ दे रही है, इंटरेस्ट में यहाँ पर पे करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से आप देख पा रहे हो कि कंपनी का जब कंपनी लगातार घाटा दिखा रही है, अब चाहे ABCD कोई भी रीजन हो, ठीक है, चाहे पैसे खुद के पास हो या कहीं भी हो, उसका मैटर नहीं करता, बट नेगेटिव है। इस वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि शेयर चलने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 49 करोड़ के आसपास इन्होंने वर्किंग प्रोग्रेस में लगा रखी है, 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें 34 करोड़ का कैश है। कैश कम होता जा रहा है, रिजर्व कम होते जा रहे हैं, बोरिंग बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं, चलो ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर्स सारा माल चिपका के निकल गए हैं, 52% की जो होल्डिंग हुआ करती थी वो 15% की यहाँ पर रह गई है। अब प्रमोटर्स कौन था, QSR यहाँ पर जो ये एशिया PTE लिमिटेड है, ये इनके प्रमोटर्स हुआ करते थे, यहाँ पर लगातार बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और कंपनी से छुटकारा पाने की शायद कोशिश कर रहे हैं। FIs की बात करें, FIs को पहले प्यार हुआ था 16 से यहाँ पर 28% 27% तक आ गए थे, फिर धीरे 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 करके जब ये शेयर में चल ही नहीं रहा, कंपनी यहाँ पर परफॉर्म नहीं करके दिखा रही, ये अभी आ गए अपनी असलियत पर, उन्होंने कही चलो ठीक है घाटे में ही बेच देते हैं। सेम DIS के साथ हुआ, DIS थोड़े से अलग चल रही है, और DIS के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से वो समझ नहीं पा रहे, और शायद या फिर ज्यादा समझ पा रहे हैं, तो 5% से 4% से यहाँ पर 9, 9 से 22, 22 से 23, और 23 से 28%, तो मतलब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी 5% की हिस्सेदारी भी खरीदी गई है, इस चीज को हमें देखना है। और पिछले एक साल में लगभग लगभग 20% के 19% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी गई है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास लगभग जो इन्होंने बेच दिया है वो यहाँ पर DIS ने उठा लिया। पब्लिक की बात करें 37 है बस, उसमें भी बड़े बड़े नाम यहाँ पर समझ में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा आपको क्या, कि यहाँ पर 2 अगस्त को इसी साल किसने बाई किया, HDFC ने बाई किया, ठीक है, आपको समझ में आएगा। सितंबर में प्लूटस ICICI बैंक ने यहाँ पर बाई किया, लगभग सेम ही प्राइस है। QSR जो यहाँ पर है वो जो मैं बता रहा था वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर बेचता हुआ नजर आ रहा है, 12 करोड़ 54 लाख शेयर बेच दिए, ठीक है, और दूसरे यहाँ पर जो आउटलेट है वो यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब दूसरे जो लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, और QSR यहाँ पर बेच रहा है, और बड़े बड़े कुछ फंड है, टाटा भी खरीद रहा है, और सब कुछ यहाँ खरीद रहा है, तो ये खरीद रहे हैं, तो अच्छे हाथों में ही चीजें जा रही है, इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे नाम भी आपको दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर शेयर को खरीदा हुआ है, बेचने का मुझे दिखाई नहीं देता, बट 3 साल पहले खरीदा था, वो अभी भी यहीं पर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर, इन्होंने भी 24 लाख शेयर खरीदे थे 113 के भाव पे, उसी के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और चीजें कुछ खास यहाँ पर चल नहीं रही है अभी भी, ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो शेयर बेचे जरूर गए बट अच्छे हाथों में शेयर गए हैं, इस चीज को हमेशा हमें याद रखना है, साथ में पब्लिक ने भी उठाया है, इसे भी हमें याद नहीं रखना, पब्लिक में भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ नजर आती है। तो ओवरऑल हम देखे शेयर बेचे गए हैं बट अच्छे खासे होल्डिंग है, कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है बट कर नहीं पा रही है, ठीक है, कंपनी का घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, और वो घाटा लगातार बढ़ रहा है, रिजर्व कंपनी के कम होते जा रहे हैं, प्लस में यहाँ पर बोरिंग बढ़ रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लग रहे हैं बट कैश भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छा साइन मुझे तो लगता नहीं है, ठीक है, तो इस चीज को भी हमेशा याद रखना है। बट कभी कभी क्या होती है कि बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, तो शायद चीजें कुछ उन्हें ज्यादा पता होगी, वो भी हो सकता है, और इस वजह से चीजें नेगेटिव दिखा रही है, तो इस वजह से चीजें चल भी नहीं रही है,
ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेज 4, स्टेज 3 था, स्टेज 4 था, स्टेज 1 होती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि अब शायद कुछ चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी दिखाई दे सकती है जो यहाँ पर शायद स्टेज को, चीजें को ऊपर ले जाए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है, इन नंबरों को नोट करके यहाँ पर काम कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं किस तरीके से काम करती है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात करें रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की, तो यहाँ पर चार्ट में क्या दिखाई देता है, अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग चल रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया भी था कि DIs लगातार बाई कर रहे हैं। क्या हमें इसमें कूदना चाहिए? बिल्कुल अभी नहीं कूदना चाहिए, कंपनी के एक आध क्वार्टर के रिजल्ट और देखने चाहिए, शायद उन्हें ज्यादा पता है। पर कभी कभी क्या होता है, फंडामेंटल चीजें अलग होती है और टेक्निकल चीजें अलग होती है, और टेक्निकल पे चीजें यहाँ पर इस तरीके से निकल जाती है कि पैसे यहाँ पर डबल कर जाती है। हम फाइनेंशियल्स को देखते रह जाएंगे, हम यहाँ पर देखते रह जाएंगे, कंपनी घाटा कर रही है, बस चीजें क्या हो गई, शूट अप हो गई और चीजें ऊपर भाग गई। तो हमें वो भी नहीं बनना है, तो हमें क्या करने की कोशिश करनी है या क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करूंगा बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन में। जैसे यहाँ से चीजें निकलेगी, 3C पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, प्लस में लॉन्ग यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री बनेगी लगभग 119 रुपए के आसपास, 120 रुपए के आसपास, और एक स्टॉप लॉस बनेगा 116 रुपए, 117 रुपए, मतलब 4 रुपए का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 4 रुपए लगभग लगभग आपके बात करें तो 3% के आसपास की आपकी रिस्क होगी। और चीजें जैसे ही निकलेगी, टारगेट एक एक करके अचीव होना शुरू होंगे, 113, ठीक है। और जिस ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन जैसे ही क्रॉस होगी, 138, 139 वाली चीजें भागेगी, जो कि यहाँ पर एक एक करके 186, ठीक है, 212, और उसके बाद शायद 300 और 400 की तरफ भी चीजें निकलती हुई नजर आए, क्योंकि इसी तरीके से चीजें चलती है। कभी यहाँ पर इसका जो कॉम्पिटिटर वेस्ट लाइफ हुआ करता था, है ना, वो भी यहाँ पर वेस्ट लाइफ ही था, मैंने उसको 2-3 साल से ट्रैक नहीं किया तो मुझे नहीं पता, बट वो शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। तो सेम पहले उसकी भी हालत इसी तरीके से, और जब भागा तो वो ही शेयर आज 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो चुका है, और जब ये भी भागेगा तो उसी तरीके से ये भागता हुआ नजर आएगा। बाई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है, और इसी तरीके से चीजें चलती हुई नजर आती है। बस आपको ध्यान रखना है, अर्जुन की तरह मछली की आंख पे आपको निशाना लगाना, और वो निशाना जब चीजें निकलेगी तब लगाओगे तो फायदे में रहोगे, और वो भी प्रिकॉशन के साथ, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करें, नंबरों को नोट करें, कॉल करें, मैसेज करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।